Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my channel Chem Galaxy with Shahid. This is our trick series. तो इसमें हम maximum tricks जो हैं chemistry को discuss करेंगे, daily basis पे upload होंगी. तो आज हम जिस tricks पे बात करेंगे वो हमारे पास क्या है, trick to find number of isomers in alkane. Alkane जो है इसके अंदर number of isomers जो हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, हम कैसे फाइंड करते हैं, इसकी क्या ट्रिक होती है. अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, हेप्टेन, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं. तो इस तरह वहां तो इतनी स्ट्रक्चर हम ड्रा नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ये चेन आइसोमरिज्म की बात हो रही है, कितने चेन आइसोमरिज्म शो करेगा. तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक याद रखते हैं और उसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं. आइए जी बात करते हैं. पहली बात तो ये कि अल्केन चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं. हमारे पास चंद एक अल्केन्स हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इसके कोई आइसोमर्स नहीं होता. मसलन ये एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, इसी मॉलिक्यूल फार्मूला की दूसरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इनके कोई आइसोमर्स नहीं होते, ये याद रखने. ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के कितने होते हैं, तीन, हेक्सेन के कितने होते हैं, पांच, और हेप्टेन के कितने होते हैं, नौ. इसी तरह ऑक्टेन के हमारे पास कितने होते हैं, 18 आइसोमर्स होते हैं. नोनेन के हमारे पास 35 आइसोमर्स, और डिकेन जो है उसके हमारे पास क्या होते हैं, 75 आइसोमर्स होते हैं. अब इनको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक है ना बच्चों, वो ये है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू 2n-4. n के साथ मैंने छोटा सा सी लिखा है, ये क्यों लिखा है, nc इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम के, जिससे एल्केन्स के आप क्या कर रहे हो, आइसोमर्स फाइंड आउट कर रहे हो, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको यहां पे रखें और उसमें से माइनस कर लें किसको, फोर को, तो साथ क्या करें, प्लस वन. ये हमारे पास क्या है, ट्रिक है. तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स आ गया. एक और बात याद रखनी है कि ये जो ट्रिक है हमारे पास, ये कहां तक आती है, हेप्टेन तक. हेप्टेन का मतलब जिसके अंदर सात कार्बन एटम हो, अक्सर हेप्टेन से ऊपर जाते ही नहीं, हेप्टेन तक ही आपसे पूछे जाते हैं, हेक्सेन, पेंटेन, इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है. तो उसके आगे हेप्टेन से आगे ऑक्टेन होते हैं, 18 होते हैं उसके, नोनेन के 35 और डिकेन के क्या होते हैं, 75. इनको आप तीन ही है, आप इसको याद रख सकते हो. अब हम इसको अप्लाई करते हैं, मसलन हमारे पास सपोज पेंटेन है, पेंटेन के कितने आइसोमर्स आए थे, यहाँ हमारे पास तीन ना. अब ये कैसे तीन आए थे इसकी बात करते हैं, इस पे हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. पेंटेन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोमर्स पर पेंटेन. सपोज आपसे पूछ लिए जी, आपको नहीं याद इसके कितने आइसोमर्स होते हैं, तो आपको ये पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, पांच. हाइड्रोजन नहीं पता फिर भी नो प्रॉब्लम, मगर कार्बन का पता होना चाहिए. और हाइड्रोजन कितने होंगे जी, पांच है, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे. ये पेंटेन, हाइड्रोजन के नहीं भी पता नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो आप इस फार्मूले को यूज करें तो नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हमारे पास बराबर आ जाएंगे 2 की पावर nc. nc की जगह में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, पांच, माइनस क्या करूंगा, फोर, और प्लस क्या करूंगा, वन. 5 - 4 कितना आ गया, वन आ गया. तो 2 की पावर 1 = 2 और प्लस 1 कितने आइसोमर्स बच गए, 3. तो इसका मतलब पेंटेन के आपके पास क्या होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं. कौन कौन से बच्चों, तो आपको पता है एक आपके पास क्या होता है, आइसोपेंटेन, ठीक है, और क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है, नियोपेंटेन, और तीसरा जो आइसोमर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एनपेंटेन. अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर तो आपको आती है, मैं जरा थोड़ी सी ड्रा कर लूं, तो आपके पास कुछ इस तरह से आइसोपेंटेन की क्या स्ट्रक्चर होती है, टोटल 5 कार्बन होते हैं ना, एक को ऊपर ले आओ, ये आइसोपेंटेन. न्यूपेंटेन का क्या मतलब है, 2 को ऊपर ले आओ, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है. एनपेंटेन का मतलब सारी एक लाइन में लिख लो, बाकी हाइड्रोजन आपको पता है पूरे कर सकते हो, तो उस पर नहीं जाते जी. तो इस तरह हम क्या करते हैं, आइसोमर. एक और ट्रिक पे बात कर लेते हैं, चलें हम हेक्सेन की बात कर लेते हैं. हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होंगे, आपको नहीं आता, पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो आपको ये पता है कि हेक्सेन का मतलब है कि कार्बन क्या होंगे, 6 होंगे, ठीक है. हाइड्रोजन का नहीं भी पता नो प्रॉब्लम, मगर मैं हाइड्रोजन लिख लेता हूं कि 14 इसके साथ होते हैं. तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, 6 आपके पास ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है जी, 2n की पावर nc-4. तो 2 की पावर nc नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6, माइनस 4 का मतलब 4 निकाल लें, प्लस 1 कर ले, तो कितना बच जाता है बच्चों, 2 6 - 4 करेंगे तो कितना बच जाता है, 2 बच जाता है, ठीक है. 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, प्लस 1. 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 + 1 कितना बच गया, 5. तो आपके पास नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर हेक्सेन, हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होंगे, 5. और यहां पे भी हमने क्या लिखे, यही लिखे हेक्सेन के 5 आइसोमर्स. तो इस तरह आप इस ट्रिक को यूज करते हुए नंबर ऑफ आइसोमर्स अल्केन में आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. थैंक यू सो मच.